हेलो टीचर्स, आज आपके लिए मैंने लाइव सेटअप किया है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ये सारा इक्विपमेंट यूज़ करके, यानी डिजिटल बोर्ड यूज़ करके, कैमरा यूज़ करके कैसे ऑनलाइन जाएंगे और कैसे अपना अर्निंग मॉडल डेवलप करेंगे। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे कि वीडियो कैसे बनाना है, कैमरा कैसे फेस करना है और उसके बाद आप उस वीडियो को कहाँ अपलोड करेंगे जिससे आपका प्रॉपर एक अर्निंग मॉडल डेवलप हो पाए। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। आप टीचर हैं, आप कोच हैं, आप ट्रेनर हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, अगर कुछ सिखाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इंटरनेट पे खान सर, फिजिक्स वाला और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख रहे होंगे कि डिजिटल बोर्ड पे वो पढ़ा के अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, लेकिन अर्न कैसे कर रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। यूट्यूब से कितना कर रहे हैं, कोर्सेज से कितना कर रहे हैं, चलिए अब देखते हैं आपको वीडियो कैसे बनाना है। ठीक है, पहले हम एक सैंपल वीडियो देखते हैं। करना है कुछ ध्यान लगाना है, मेडिटेट करना है अपने आप को, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, ना ही कोई प्रोटीन लेना है, ना ही कोई सप्लीमेंट, ना ही आपको जिम जाके ये हैवी वर्कआउट करना है। बस ध्यान रखना है कि आप खाना हल्का खाएं और थोड़ा अपने शरीर पर रेगुलर टाइम जरूर दें। अगर आप 24 घंटे में से एक घंटा शरीर पर नहीं दे रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपने शरीर को बीमार कर रहे हैं। तो फिट रहने के लिए, हिट रहने के लिए, कहते हैं ना फिटनेस, फिट रहना और हिट रहना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। जितना आप अपने शरीर पर काम करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, खुश होकर अपनी दिनचर्या को बिताएंगे, उतने बेहतर आपके रिजल्ट आएंगे। तो आपने देख लिया कि कैसे टीचर डिजिटल बोर्ड पे कैमरा यूज़ करके अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये है स्टेप वन। अच्छा, आप ये बोलेंगे कि सर आप तो पीटीसी कैमरा के साथ बताते हैं, इसीलिए हमने आपको ये सेटअप दिखाया है, इसके बाद हम आपको पीटीसी भी दिखाएंगे। इस सेटअप में क्या होता है, जब आप डीएसएलआर या वीडियो कैमरा यूज़ करते हैं तो आपको परमानेंट एक कैमरा मैन चाहिए ही चाहिए और उस डीएसएलआर का एक लिमिटेशंस है, इसीलिए आपको बताते हैं और समझाते भी हैं कि एक ऑर्गेनाइज स्टूडियो आपके लिए कैसे काम करता है। एक बार उसका भी वीडियो देखते हैं विदाउट डीएसएलआर। चलिए तो बच्चों, आज सीखते हैं आज की क्लास में आपको डाइट में क्या लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए। एक सेब ले सकते हैं, राइट बच्चों, और उसके बाद में आप सलाद भी ले सकते हैं। का खाने से पहले लेना है और खाने के बाद में आप चार चार प्रोटीन उसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि मटर पनीर हो गया। कितने आसानी से सर क्लास ले रहे थे। पिछले वाले वीडियो में आपने देखा कि डीएसएलआर के साथ एक कैमरा पर्सन भी था, लेकिन यहाँ पे एक कैमरा मॉनिटर, यानी सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड। जब भी आप ऑर्गेनाइज स्टूडियो से लाइव जाते हैं या रिकॉर्ड करते हैं या वीडियो बनाते हैं तो आपका प्रोडक्टिव टाइम पढ़ाने या वीडियो बनाने में लगता है, टेक्निकल ग्लिचेस में नहीं लगता। नहीं तो कभी कैमरा मैन नहीं आया, कभी हीट हो गया, कभी स्पेस नहीं है, सब कुछ। अब ये तो हो गया वीडियो मेकिंग पार्ट। अब वीडियो बन गया तो अब उसको आप किस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके या लाइव करके अपना अर्निंग मॉडल डेवलप कर सकते हैं, अब हम उस पर बात करेंगे। सो, इसके लिए हम बुलाते हैं आकाश को और आकाश प्रॉपर ब्रीफिंग देंगे कि अब वीडियो को कहाँ अपलोड करना। आकाश आ जाओ भैया फटाफट। जी सर। ओके, सो अभी हमने क्या किया है कि टीचर को दो तरीके से वीडियो बनाने के लिए बताया है कि एक डीएसएलआर, एक वीडियो कैमरा, पीटीसी कैमरा, क्या उसमें प्रॉब्लम है, क्या उसमें, तो इक्विपमेंट लेवल पे तो हो गया। अब टीचर का वीडियो बन गया, अब यूजुअली क्या करते हैं, वो यूट्यूब पे लाइव करते हैं या अपलोड करते हैं, राइट सर। तो आपको पता है कि यूट्यूब से वो अर्निंग मॉडल नहीं डेवलप कर सकते, सो अब उनका अर्निंग मॉडल के लिए ये बना है बिल्ड योर ओन ऑनलाइन क्लास रूम टूडे।
तो टीचर अब अपना प्लेटफॉर्म बना के यानी ओन एप्लीकेशन बना के जैसे बड़े बड़े टेक जाइंट्स बना के कर रहे हैं सर। तो एक नया टीचर जो अभी शुरुआत कर रहे हैं इससे कैसे ROI निकाल सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं? सर वेरियस मेथड्स हैं, डिपेंड ये भी करता है कि आपका नीश क्या है। ठीक है, अभी फिटनेस टीचर है हाँ। उनके साथ तो उनके पास बहुत सारे वेरियस टीचर्स हैं। ठीक है, वन टू वन कंसल्टेंसीज दे सकते हो वहाँ पे। ठीक है, आप अपनी क्लासेस दे सकते हो जो भी आपकी पेड होते हैं, लाइक ना मैं भी लेता हूँ ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो मैं जुम्बा की लेता हूँ बेसिकली। ठीक है, ठीक है, आप अलग अलग चीजों की दे सकते हो। जुम्बा की आप किससे लेते हो? ऑनलाइन लेता हूँ, ऑनलाइन ट्रेनर है वो। अच्छा, अपने वहाँ पे वीडियो ऑन रखते हैं, मैं यहाँ पे सेम चीज को रिपीट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। आप डाइट, अपनी डाइट प्लान शेयर कर सकते हो, डाइट के चार्ट्स आप दे सकते हो पेड। ठीक है, कि आपको लाइक कितना वेट गेन करना है या लूज करना है। हाँ, हाँ, उसके हिसाब से। ठीक है, मैं पर्टिकुलर इसकी बात करूँ। हाँ, बाकी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं बहुत सारे। हाँ, और ज्यादातर जो जिम वाले होते हैं सर स्पेसिफिकली वो लोग अपने प्रोडक्ट्स ही सेल आउट करते हैं, वीडियो फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म में होगा तो डाइट चार्ट्स हो गए या फिर जो भी उनके प्रोटीन शेक्स वगैरह होते हैं उनको आप उनको अपने इस पे लिस्ट कर दो। ठीक है, वहां जाके आपको परचेज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि जहाँ पे लक्ष्य लिखा है, अब यहाँ आ गया संदीप सर फिटनेस एकेडमी, राइट। इस एप्लीकेशन का पूरा मालिक कौन होगा? संदीप सर। अच्छा, मतलब इन्हीं का ईमेल आईडी होगा, इन्हीं का कॉन्टैक्ट नंबर होगा, इन्हीं का डोमेन होगा, सब कुछ, सब कुछ इन्हीं का होगा। बच्चा क्या वीडियो लीक कर सकता है? क्योंकि मेहनत से वीडियो रिकॉर्ड करके कोर्स बनाएंगे तो क्या ये लीक हो सकता है? सर, तीन लेवल पे सिक्योरिटी दे रखी है। हाँ, DRM सिक्योरिटी, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बता देता हूँ, ना तो बच्चा स्क्रीनशॉट ले सकता है ना स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, सेम वही वाली जो नेटफ्लिक्स हॉटस्टार यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मान लो कि सर्वर हैक कर लिया, तो DRM क्या करता है, सर्वर पे जो भी कोई वीडियो डालते हैं 10-12 पार्ट्स में अपलोड करता है। ठीक है, सिंगल फाइल नहीं देता, यानी कि मतलब सिक्योर है पूरा। सिक्योर है पूरा। तो आपने देखा, आप अपने ओन एप्लीकेशन पे जाके कोर्सेस लॉन्च कर सकते हैं। और कोर्सेस जब भी लॉन्च करेंगे ना, आप कोशिश करिए 99 रुपीज़, 199 रुपीज़ और 299 में आप करिए। जो प्रॉब्लम है सेहत को लेके, अभी हम फिटनेस कोच की बात कर रहे हैं, बाकी आप मैथ्स टीचर हो, फिजिक्स टीचर हो, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब ये कोर्सेज बिकेंगे कैसे, ये भी है। एक तो आप अपने कोचिंग में और अपने YouTube पे आप ये बोलिए कि बच्चों अब आपके लिए आपके सर का पर्सनल एप्लीकेशन या पर्सनल डिजिटल कोचिंग लॉन्च हो चुका है, आप भी पढ़ सकते हैं, अपने दोस्तों को भी। हो सकता है कि आपका रिजल्ट अच्छा हो, मैं आपकी वीडियो देख के फिट हो रहा हूं, तो मैं अपने दोस्त को भी रिकमेंड करूंगा। और दूसरा मॉडल क्या है कि आप अपनी वीडियो बना के, ठीक है, जैसे एक आप ऐसी वीडियो शूट करिए, कैसे शूट करिए, ऐसे मैं जैसे फिटनेस कोच हूँ, हेलो नमस्ते, मेरा नाम है चंदन मिश्रा और मैं हूँ आपका फिटनेस कोच, क्या आप अपने मोटापे से परेशान हैं? तो मैं लाइव आता हूँ, आपको सिखाता हूँ कैसे आप घरेलू नुस्खे अपना के बिना किसी केमिकल दवाइयों के बिना ही आप सेहत बना सकते हैं, और हमने बनाया है, ये रहा टेस्टमोनियल। तो आज ही डाउनलोड करिए और 99 रुपये के कंसल्टेंसी सब्सक्रिप्शन से शुरू करिए। ठीक है, ये वीडियो बनाया, अब आपने फेसबुक पे, गूगल पे लगा के किसी प्रोफेशनल से, यानी जो गूगल ऐड के एक्सपर्ट है, उनसे ऐड आपने प्ले करवा दिया, तो ऐड प्ले होगा तो ऐप डाउनलोड होगा, ऐप डाउनलोड हुआ तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। बाकी आप अधिक जानकारी के लिए लेट्स ग्रो विथ मिश्रा जी इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो करके हाय लिख के भेज दीजिए, वहाँ मैं पर्सनली आपको आके कोच कर दूंगा कि आप अपना अर्निंग मॉडल कैसे डेवलप करें बिना यूट्यूब के, राइट। यूट्यूब एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, तो मार्केटिंग अगर यूट्यूब पे आपके सब्सक्राइबर नहीं है तो कहीं और से कराएंगे, लेकिन आपका अर्निंग मॉडल जरूर बनाएंगे। बाकी स्मार्ट इन्फोविजन से सेटअप कराने के लिए, कंसल्टेंसी लेने के लिए, डेमो सेंटर आने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8527926648 पे, नोएडा, लखनऊ, जयपुर, हर जगह अवेलेबल है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।